हेलो गाइस, तो आप ब्लॉग का है दूसरा पार्ट, क्योंकि पहला बहुत लंबा बन चुका है। तो चलिए नीचे दिखाते हैं दीदी क्या कर रही है और स्वीटी भी। तो यहाँ सब बच्चे जा रहे हैं खेत में, दिखाएंगे क्या करते हैं। कैसे जाएंगे हम, इसको नहीं आता ना आराम से, तो नहीं कंडेली के पत्तों पर। यहाँ पे एक पत्ता होता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं, कंडेली, और बिच्छू घास भी तो बता रहे थे। हाँ वो दिखा देती मैं, ये रही वो रहा, ये रहा, हाथ पकड़ ले रॉबिन उसका। तो ये है वो वाला पत्ता, इसलिए जो लगता है ना बहुत झमझाट हो जाता है। चलो मैं भी आऊँ, बन रही है वीडियो, स्टॉप थी, देखो ने और कर दी मैंने। चल चल देखो चलो मम्मी क्या कर रहे, ये गुन्नू ऊपर नहीं जाना रास्ते में से, चलो तरफ आ जा। ये लग रखी है लहसुन, नीचे देख देख के चल। देख गुन्नू ये लहसुन है, लहसुन के पत्ते हैं, ये लहसुन के पत्ते, इस छोटे छोटे लहसुन लगा रखी है, ये उगेंगे और ये भी लहसुन है। उधर मेरे ख्याल से मेथी है, वो क्या है, मेथी या पालक कुछ है वो। यहाँ पे प्याज भी लगा दी है, ये सारी लहसुन है, ये भी लहसुन है, प्याज, ये लग रहे हैं प्याज। क्या लग रहा है गुन्नी, प्याज, ये ले बनाओ। ये ताई जी बन लगा रही है यहाँ पे प्याज, वही मेरे कैमरा बड़ा लग जाऊंगा। उधर बैंगन भी है, उधर बैंगन भी दिखाओ, वो कर रही है प्याज उगा रही है। मेथी बोल के नीचे, बस अब हो गया, ले अभी सोन लगा ऐसे। गाइस ताऊ जी क्या कर रहा है, प्याज छांट रहा हूँ मैं। अच्छा छांट रहे हो, ये पानी में से कैसे छांट रहे हो, ये पानी में से पौधे ना, प्याज के पौधे ये। अच्छा तो गाइस यहाँ पे है बैगन और इसी ये रहा, देखो दिख रहा आपको वाला, इस वाले पेड़ पे बैगन भी लगा हुआ है, ये देखो आपको दिख रहा है गाइस, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। ये सब बैंगन है, ये सब बैगन है, तो इसलिए अब ये सूख रहे हैं। ये सारे भी बैगन की पौड़ी है, पालक और क्या है, ये पत्ते बड़े होके ऐसे हो जाएंगे, ये पालक के पत्ते बड़े होके देखो ऐसे दिखते हैं। ये राई का पाल है, राई, ये राई का पाल है, ये है लौकी, ये है, लो भैया अपना मैं दिखा रहा हूँ ना, तू बना। ये है गाइस, ये है लौकी, ये हमारे टूर गाइड, हेलो बोलो, सड़ चुकी है, हेलो, ये पूरी सड़ चुकी है। ये है हमारा संतरे, ये है माल्टे, ये है माल्टा का पेड़, इस पे इस साल माल्टे नहीं आए हैं, लेकिन पिछले साल इसे मैंने बहुत सारे माल्टे खाए हैं, बढ़िया है। वो गाय आ गाइस, वो देखो वहाँ पे गाय आ रही है, अब और वो रहे हमारे मेरे ख्याल से 9-10 साढ़े 10 बज चुके हैं, इसलिए सब लोग अब अपनी गाय वाय छोड़ देंगे जंगल में। अब वो शाम को चर के आएगी वापस अपने घर। अब ये गाय है ये, इसके बाद बकरी आएंगी, भेड़े आएंगी, सब आएंगे, कुकर काकर सब आएंगे। तो ये है माल्टे का पेड़, सारी ये है हमारा माल्टे का पेड़, इसमें बहुत सारे माल्टे हुए हैं। माल्टा कैच करेंगे, कर तो ये रहा माल्टा, इसको मुझको ऑरेंज जैसा ही होता है, पर ये इसको माल्टा कहते हैं। दिखाओ कैसा लग रहा है, खट्टा होएगा, अब खा के देखना बाद में। गाइस ओरिजिनल माल्टा, ओरिजिनल माल्टा, गुन्नू को तो चलना भी नहीं आ रहा है गुन्नू। भैया दीदी को दिखाओ क्या क्या लगा रखा है। हाँ दिखाएगी स्वीटी, दिखाएगी, ये बैगन के पौधे हैं, वो बैगन उगा भी है इसमें, ये रहा छोटा सा बैगन, अरे ये मूली के पत्ते भी थे ना, ये है मूली के पत्ते, मूली जम रही है इसमें, तो यहाँ सब्जी लगा रखी पर अभी हो रही है। ये पालक लग रहा है ये कि राई है, अच्छा ओह ये मिर्ची भी तो लगी हुई है, देख मिर्ची हो रही है। गुनो हाथ लगा के मत, आग पे मत लगा ना, बहुत तेज लगी, ये है पहाड़ी मिर्च। ओ गड्ढा कर रही हो, हाँ अभी वो दोनों हरे प्याज लगा के दिखाओगे ना, ठीक है जान लगा दे गुन्नू। नहीं टूट रहा, ओ तोड़ दिया आखिर,
दिखा पास से, ये ग्रीन है, नींबू है नहीं माल्टी है, नींबू का थोड़ा वैसा बताओ, समुद्रा है वो, कोई नहीं थोड़ा तो है मैंने, बस जो भी हमने तोड़ लिया गुन्नू ने, माल्टा ही बोल लो, दादी ने बोला माल्टा तोड़ा खुद से, और यही पेड़ पे लगा हुआ है घिया है ना ये, वो आ गया ना धूप चमक रही, ये नजर नहीं आ रहा आगे नजर, घिया दिखा रही मैं, ये ना पेड़ पे इसलिए छोड़ा हुआ है बीच के लिए बहुत बड़ा, इधर से आ नहीं रहा, और ये पेड़ पे घास कर रखी है सुखाने के लिए, क्योंकि बारिशों में ना फिर दिक्कत नहीं होती है, यहाँ से घास इकट्ठी कर ऐसी इकट्ठी काट काट के इकट्ठी कर देते हैं, ये देखो ये राई और पालक मिक्स करके कुछ लगा रहेगा शायद चाची ने, सबसे दूर मेरा देख कहाँ गया, सबसे आगे है मेरा, वो नीचे मेरा आपसे भी ज्यादा आगे है, मेरा वहाँ नीचे है, अभी तक लुढ़क रहा है, वो देख अब स्टॉप हो गया, मेथी ऐसी तो होती है ना, फिर बनाएंगे थोड़ी सी उग जाती ना मेथी के पराठे बनाते हैं, हाँ वो भी मेथी है, ये मेथी और बीच में लहसुन लगा रखा, ये दोनों मेथी है, वो एक दो तीन, ये तीनों प्याज है, प्याज है ना, और ये वो लहसुन है, सारी सब्जी है लहसुन मेथी, बागुन में लगा रही प्याज, ऐसा कर लिया, अब इसको हटाओ ठंडे को, अब हाथ से दबाओ फिंगर से, उसको आ रही घिन लग रही, दबा लिया, एक लग गया, दूसरे में लगाना प्याज आप लगाओगी, तो मैंने यहाँ लगा लिया हरे प्याज, देखो एक ही रहा, एक ही रहा, आ जा, हाँ चल, चल चलो ये दोनों दीदियाँ जा रही है आगे आराम आराम से, आराम आराम से, चलो पहले स्वीटी को जान दे, बोलो वो चढ़ जाएगी, चल स्वीटी आप चढ़ो फिर दीदी चढ़ेगी, बोलो कंडेली इधर पत्तों से, ये रहा कंडेली के पत्ते, बाट कर रखी है, हाँ घिया देख कितना बड़ा है, ये बीच के लिए रखा हुआ है ना, चलो रोबिन भैया चढ़ाएगा, चलो पहले स्वीटी जाएगी, अभी नहीं चल गुना, तो इसमें हाथ पे, इसमें हाथ मत लगा, चल चल चलो भाई आगे आगे, सारे तोड़े हैं मिर्च, ये सारे खेत ना हमारे, इसमें मिर्च उगा के और पता नहीं क्या क्या चीज़ है, मतलब और भी चीज़ है, ये दीदी जा रही है नीचे मिर्च लाएंगे तोड़ के, ओ हेलीकॉप्टर आ रहा है, ओ भाई कहाँ है, हेलीकॉप्टर के नाम है बुलडोजर आ रहा है, उधर आ रहा है, उधर रोड है ना, उस वाली रोड पे आएगा, हेलीकॉप्टर ही है, आवाज़ तो उसी की लग रही, बबलू क्या है वो, ओए मुंह में डाल, चिमटी है, हेलीकॉप्टर का है, हमें तो दिख नहीं रहा, आवाज ही आ रही, ओ वो रहा, सही नजर आ रहा नहीं आ रहा, ढूंढ ले मैंने बाबू, वो रहा उधर उधर जा रहा है, ये दीदी तोड़ रही है मिर्च, ओ वाओ दिख रहा है आपको, सारे यहाँ खेत में मिर्च हो रखी है, आधी तोड़ के रखी है, आधी हो रही है, मैं तोड़, ए पापा आ गई, ताऊ जी आ रही है, आ जा रहा है, वो आएगी, देखा जा रही है पजामा पकड़ के जा रही है, रॉबिन देखो कितनी बड़ी बड़े वो है, क्या हाँ कंडेली के पत्ते दिखा दिए मैंने, इसे कहते हैं बिच्छू घास, जब इसे लगती है तो झमझाट पड़ जाता है, इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियन ग्रास, स्कॉर्पियन घास, अब बहुत खुजली होती है, क्या गुन्नू दीदी को, गुन्नू दीदी को बुला रही है, गुन्नू आपको बुला रही है, खेलेगी घर बनाएगी वहाँ पे, जाने वो सामने खेत में जाना, रॉबिन भैया, रॉबिन भैया इधर से जाना, ये साइड से जाओ, छोटे छोटे पत्थर ले,
अब उतर ले, अब जा इसके साथ तो है बिडर। ऊपर ऊपर जा, ऐसे जाएगा ना गिरते हुए ऊपर ऊपर। नहीं जा जा जा, जान दे जान दे। अरे मम्मी अब तो मैं चलो गुन्नू से नहीं चला जा रहा खेत में। चलो पैर ऐसे अच्छे से रखो नीचे दबा दबा के, तब चलो। ये काय का पेड़ है? पन्नी दे दो। ये मिर्च तोड़ के रखी। अब यही कैसे आएगी? सारी तोड़ लो मिर्चे। कह रहे लाल लाल तोड़ना, कह रहे सारी तोड़ रही। गप्पू कुछ ना कुछ कर रही होगी। क्या कर रहे हो आप? ये पापा कहाँ हैं? बैठे उधर वो रे। चलो तुम भी आओ, मिर्च 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 टीपो। नहीं थक गए कुल्हाड़ी से। और ये है अमरूद का पेड़ ऊपर वाला। इस पे अमरूद हो रहे पर मुझे नहीं दिख रहे। रोमिन कह रहा अमरूद तोड़ रहे, अमरूद है इसमें। नमस्ते दीदी। हाँ वीडियो बना रही हूँ। आप भी हाथ हिलाओ उधर से। उधर है जेठानी जी, वो भी दीदी वहाँ रहते हैं। तो ये भी है हमारा घर, पीछे से आगे से मैं बाद में दिखाऊंगी। मेरे फोन की बैटरी हो रही है खत्म। तो दीदी बता रहे हैं कि पहले हमारा ये इतना था, अब ये पूरा ले लिया हमने, यहाँ से ये पूरा ले लिया, वो वहाँ तक नीचे तक पूरा। ये तो पहले ही थे, उधर से भी ले लिया पूरा। इन सब में कुछ ना कुछ उगा रखा, मिर्ची उगा रखी है। उधर की साइड भी बाद में दिखाओगे। हाँ कैरी दिखा ली मैंने। अरे हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखते हैं, सर्दियों में दिक्कत नहीं होती बारिशों में। आज का व्लॉग का एंड यहीं के करते हैं, और बाकी जो बनेगी आगे की वीडियो वो आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो ना बहुत बहुत लंबी हो रही है और थोड़ा गांव में नेट का इशू भी हो रहा है। तो तब तक के लिए बाय। से पहले क्या करना है आपको? वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लग रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। तब तक के लिए बाय बाय।